हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर फ्लूड एक्सेलरेट कर रहा है किसी कंटेनर में, जो फ्लूड भरा हुआ है कंटेनर एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, तो प्रेशर में क्या चेंज होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंटेनर रेस्ट में है कंटेनर अगर रेस्ट में है तो हमारा सेम लेवल पे ए और बी पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लो इस कंटेनर को हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दें, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे तब हमारा प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी जो पॉइंट सेम लेवल पर हैं क्या वो सेम रहेगा, तो सेम नहीं रहता। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए नॉट इक्वल टू पी बी अगर ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन एट रेस्ट। तो हम इस केस को आज पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। प्रेशर डिफरेंस इन एन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। तो अगर कंटेनर है हमारे पास सेम, इसी को डिस्कस करेंगे। अगर कंटेनर है हमारे पास और हमने सेम लेवल पे दो पॉइंट ले लिए ए और बी, इन दोनों पॉइंट पर हमें प्रेशर को देखना है। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर मान लेते हैं ए और बी पर, एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। तो ये पॉइंट हमारा बी है, बी बोल देते हैं और ये ए। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, इस पॉइंट पे हमें पता है लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लगता है, प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लगता है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर देखेंगे तो जो भी प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से फोर्स आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है पी ए, इसको बोल देते हैं एफ वन, और यहाँ पे इसको पुश कर रहा है एफ टू, और ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो F1 क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। F2 हमारा क्या आएगा, PB इनटू A, ये आना चाहिए। हमने ये जो लिक्विड कंसीडर किया है इतने वॉल्यूम का, अब ये भी एक्सेलरेट कर रहा है कंटेनर के साथ। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करें तो क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है इसका मतलब एफ वन ज़्यादा होना चाहिए, एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे एम क्या है हमारा, एम है हमारा मास ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। इसकी लेंथ मान लेते हैं L, या फिर X मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम उसका लेंथ हमने मान लिया X, एरिया हमने मान लिया कैपिटल A। A हमारा क्या है, एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाया है। या तो ऊपर बना ले दोनों जगह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन है, तो अगर फोर्सेस अलग अलग हैं इसका मतलब प्रेशर भी अलग अलग होना चाहिए। इसे पॉज करके नोट कर लें। वैल्यू पुट करेंगे, F1 था हमारा PA इंटू ए माइनस PB इंटू ए इक्वल टू, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन A। मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक्सेलरेशन A हमारा, A यहाँ से कॉमन ले सकते हैं प्रेशर PA माइनस PB इक्वल टू रो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं A एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है हमारे पास x, a से a कैंसिल, तो PA माइनस PB आ गया हमारे पास रो ए x। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, मतलब प्रेशर एट a हमारा क्या है, प्रेशर एट ए हमारा बी से कितना ज़्यादा है, प्रेशर एट ए इक्वल टू PB प्लस रो ए एक्स। प्रेशर एट ए हमारा बी से कितना ज़्यादा है, रो ए एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें तो रो जी एच टाइप का दिख रहा है, बस यहाँ पे जी की जगह क्या आ चुका है एक्सेलरेशन, एच की जगह क्या आ चुका है एक्स हमारा, और क्या बता सकते हैं कि ए और बी हमारे पास दो पॉइंट थे, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हमारा प्रेशर एट ए क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो प्रेशर डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर x है तो कितना डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इक्वल टू रो ए एक्स, डेल्टा p लिख सकते हैं रो ए एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा अलोंग द डायरेक्शन डिक्रीज करेगा, दोनों सेम बातें हैं, नोट कर सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर का इंक्रीज होगा, दोनों सेम बातें हैं ये वाली और ऊपर वाला। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए पॉइंट था बी पॉइंट था
इसका एक्सेलरेशन ए है, तो प्रेशर एट बी अगर हमारे पास पी बी है तो ए पर प्रेशर कितना ज़्यादा आएगा, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना दूर चले एक्स, तो प्रेशर एट बी प्लस रो ए एक्स, ये आ जाएगा हमारा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखते हैं सेकेंड केस फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज वाई है, इन दोनों का सेपरेशन वाई है, यहां पे हमारा एक्सेलरेशन ए। अब ए और बी पर हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, दो फोर्सेस लगेंगे एफ वन पी वन पी ए इंटू ए, ये एफ टू किसके बराबर होगा, पी बी इंटू ए के, ये तो आएगा लिक्विड यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होगा, ये हमारा एक्सेलरेशन ए। ऊपर फोर्स लगेगा एफ वन प्रेशर इंटू एरिया, एफ टू प्रेशर इंटू एरिया, और ये जो मास हमने कंसीडर किया है, अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा एम जी, इसका वेट की वजह से कितना आएगा एम जी। अब फोर्सेस को बैलेंस कर दें तो हमें क्या दिख रहा, एफ वन प्लस एम जी, हमारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब एफ टू ज़्यादा होना चाहिए, तो एफ टू माइनस एफ वन प्लस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। एम हमने क्या लिया है, मास ऑफ दिस लिक्विड, तो एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो एम जी प्लस एम ए आएगा। एफ टू था हमारा पी बी इंटू ए माइनस पी ए इंटू ए, मास को कॉमन ले सकते हैं जी प्लस ए, यहाँ से पी बी माइनस पी ए इंटू ए, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो ए वॉल्यूम इसका क्या है, इसका हाइट हमने क्या लिया है वाई, तो रो ए वाई जी प्लस ए, ए से ए कैंसिल, तो पी बी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी प्लस ए इंटू वाई, तो पी बी हमारा कितना आ चुका है, इसको मान लेते हैं जी इफेक्टिव, तो पी बी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू वाई, ये आया। इसमें भी हमारा क्या दिख रहा है कि प्रेशर हमारा बी पर ज़्यादा है ए से, कितना ज़्यादा है, रो जी इफेक्टिव इंटू वाई, तो प्रेशर एट बी, इसका मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। सो प्रेशर इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो दोनों केस में हमारा सेम रिजल्ट आया।
बस यहाँ पे वेरिएशन है जी इफेक्टिव और वाई में। वहाँ पे हमारा क्या था, तो अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज सरफेस में पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इनके बीच का हाइट है एच, इनके बीच का एच है सेपरेशन, इससे अगर एक्सेलरेशन ए दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, प्रेशर एट टू पी ए प्लस रो जी एच। अब जी हमारा क्या है, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, ये हमारा क्या है स्यूडो ड्यू टू स्यूडो फोर्स। अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, जी हमारा नीचे की तरफ था तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी प्लस ए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच। फॉर्मूला वही है हमारा रो जी एच, बस यहाँ पे क्या हो जाता है जी इफेक्टिव में रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हमारा ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करने के बजाय हम नीचे एक्सेलरेट कर रहे होते तो हमारा क्या चेंज हो जाता, अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या होता नीचे की तरफ, ये पॉइंट हमारा सरफेस पर ए है, ये पॉइंट बी, ये हमारा हाइट एच। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो प्रेशर एट ए हमारा कितना आएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर हमारा क्या करता है डिक्रीज करता है, तो प्रेशर एट ए हमारा कितना आएगा पी बी प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच, यही आएगा रो जी एच। तो पी बी प्लस रो, अब जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अगर ए नीचे की तरफ था तो ए हो जाएगा ऊपर की तरफ, जी हमारा नीचे की तरफ, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस जी इंटू एच, नीचे की तरफ है तो जी माइनस ए इंटू एच। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर फ्लूड हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी सरफेस में क्या चेंज आएगा। सपोज हमारे पास ये जो कंटेनर है इस पे हमने लिक्विड भर दिया है, इसे एक्सेलरेट करवा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इनके बीच का सेपरेशन सपोज एक्स है। अब खुद से अगर सोचें तो हमें इसका, अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट करेगा तो हमें इसका फ्री सरफेस कैसा दिखना चाहिए, तो हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अब ऐसा क्यों दिखता है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच का सेपरेशन एक्स,
यहाँ पे मान सकते हैं एच वन हाइट, ये है हमारा एच टू हाइट पर, ये एक्सेलरेशन ए। अब क्या करें, तो प्रेशर एट ए कितना आएगा, रो जी एच वन, प्रेशर एट बी कितना आएगा, रो जी एच टू, क्योंकि हमारा वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एच वन और एच टू हाइट की वजह से इतना इतना प्रेशर आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे लिक्विड का, ताकि हम फोर्सेस को दिखा सकें। मान लेते हैं इसका मास m, ये पॉइंट a है, इस पे प्रेशर कैसा लगेगा, इस पे प्रेशर लगेगा पी ए, फोर्स लगेगा अंदर की डायरेक्शन में, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे क्या करेगा पी बी इंटू ए, और ये हमारा x है। एक्सेलरेशन हमारा आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे बना सकते हैं ये लिक्विड ऐसा कुछ एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे अप्लाई करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा आगे की तरफ है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू बी इक्वल टू पी बी इंटू प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पी ए माइनस पी बी इंटू ए, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया, डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकते ए इंटू एक्स, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी, पी ए कितना आया था रो जी, यहाँ पे पुट करेंगे रो जी ए, एच वन माइनस एच टू आ जाएगा हमारे पास, रो जी कैपिटल ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एच वन माइनस एच टू जी, और ये हमारा क्या है एक्स इंटू ए। तो हमारा यहाँ से रेशियो आ चुका है एच वन माइनस एच टू अपॉन एक्स इक्वल टू ए बाई जी। ये जो हमारा रेशियो आया है, अब इसको डायग्राम से देखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है। इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके, अब अगर ध्यान से देखें हमें इसको निकालना है h1 वन माइनस एच टू अपॉन एक्स को। तो सपोज ये जो फ्री सरफेस था, ये कंटेनर, ये हम हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट से ए तक का हाइट हमारा क्या था एच वन, और कोई पॉइंट इस पॉइंट से बी तक का कितना था एच टू। अगर ये थीटा है तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को अगर देखें तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी होगा हमारे पास थीटा। इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं सपोज एम एन एस, तो ट्राइंगल एम एन एस को बाहर ले लेते हैं, ये थीटा, एम एन कितना आ जाएगा, ये पूरा एच वन है,
और ये हमारा क्या है H2। H1 में से अगर H2 हटा दे तो ये आ जाएगा H1 माइनस H2, ये आ गया। N और S इसके बराबर है तो X आ गया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो tan थीटा आ गया हमारे पास H1 माइनस H2 अपॉन X, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H1 माइनस H2 अपॉन X, ये मान ले वन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं थीटा का कितना वैल्यू आएगा। तो इसकी जगह टैन थीटा पुट कर सकते हैं तो टैन थीटा आ गया हमारे पास ए अपॉन जी। कंपैरिजन करते हैं वन एंड टू से हमें क्या मिल गया। फ्रॉम वन टू टैन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा फ्री सरफेस, ए अपॉन जी। अब ऐसा क्यों होता है इसे हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सरफेस हमारा ऐसा क्यों बनता है। अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो इस सरफेस पे स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने लिया है थीटा, इस पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कितना लगेगा जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा हमारा रिजल्टेंट या फिर ए नेट लिख सकते हैं। इसी नेट एक्सेलरेशन, ये नेट क्या रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ए नेट परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इसी ए नेट के परपेंडिकुलर हमारा सरफेस रहता है या फिर यहां पे लिख सकते हैं फ्री सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ए नेट। नेट एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में कुछ आएगा तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वैसा हमारा फ्री सरफेस अरेंज हो जाएगा। इनका ए नेट का वैल्यू कितना आएगा, ये हमारा ए था ये हमारा जी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ए नेट कितना आ गया हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और यहां से थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखें अगर ये हमारा थीटा था तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा, ये हमारा होगा थीटा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया थीटा। मतलब हमारे पास ए जी और ये आ गया थीटा, तो यहां से अगर देखें टैन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना है ए अपॉन बेस कितना है जी, तो टैन थीटा आ गया ए अपॉन जी और ए नेट कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो हमेशा सरफेस
नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है। क्यों होता? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, फ्रूट्स में शियर स्ट्रेस हमारा सस्टेन नहीं कर पाता है, ज़ीरो रहता है, नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए सरफेस जो होगा वो नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। जनरल केस देखेंगे कि अगर हमें प्रेशर फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पर तो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज ये मैनोमीटर है, सपोज ये हमारे पास मैनोमीटर है और इसे हम एक्सेलरेट कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। यहां पे प्रेशर सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। अगर इसे एक्सेलरेट करेंगे तो इसका जो सरफेस होगा ऐसा कुछ अलाइन हो जाएगा, फ्री सरफेस। ये मानते हैं एच वन, ये मान लेते हैं एच टू, यहां पे सेपरेशन एक्स। तो प्रेशर एट ए, हम पहले यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना, प्रेशर एट ए प्लस कितना बड़ा रो जी एच वन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में गए तो हमारा इस पॉइंट पे आएंगे माइनस रो जी एक्स, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करेगा। ऊपर जाएंगे तो भी हमारा प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये पॉइंट हो गया हमारा प्रेशर एट बी। उसी तरह हम बी पॉइंट से भी अप्लाई कर सकते थे, प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच टू। इस डायरेक्शन में आए तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करा, रो जी एक्स ऊपर गए, रो जी एच वन इक्वल टू प्रेशर एट ए। तो ये तरीका हमें आना चाहिए कैसे हमने अप्लाई किया है अगर एक्सेलरेट कर रहा है। चेक भी कर सकते हैं, पी बी प्लस रो जी एच टू प्लस रो जी एक्स वन माइनस रो जी एच वन इक्वल टू पी ए आएगा ऊपर वाली इक्वेशन से। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई कंटेनर है, ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। यहाँ पे सेपरेशन है हमारा 6 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर्स, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है पी सी माइनस पी डी, बी पी ए माइनस पी सी, सी पी ए माइनस पी डी। तो देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सी पर प्रेशर हमारा क्या होगा, डी से पहला क्या है, प्रेशर एट सी हमारा ज्यादा होना चाहिए डी से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं,
तो पी डी प्लस प्रेशर एट डी प्लस कितना रो ए एक्स। प्रेशर एट डी हमारा, इसको अगर माइनस में भेज दें तो ये आ गया रो ए एक्स। तो ये सपोज हमारे पास वाटर है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा 10^3 इंटू एक्सेलरेशन है 2। ये हमारे पास x का वैल्यू कितना है 2, तो 4 × 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें देखना है पी ए माइनस पी सी। तो प्रेशर एट सी ए से कितना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, तो प्रेशर एट सी कितना आएगा पी ए प्लस रो जी एच। हमें फाइंड करना है पी ए, पी सी को अगर इधर ले आए पी ए माइनस पी सी, तो माइनस रो जी एच। यहाँ से रो था 10^3, जी का वैल्यू 10, एच कितना है 6 है, तो पी ए माइनस पी सी आ गया हमारे पास 6 × 10^4 माइनस 6 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डिफरेंस निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर एट ए हमारा सी से कम है। लास्ट बचा हमारा पी ए माइनस पी डी, इसे पहले नोट कर लें। पी ए माइनस पी डी अगर फाइंड करना है तो हम ए से चलेंगे और डी पे रुक जाएंगे। तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी, हाइट की वजह से रो जी एच। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में माइनस, तो माइनस रो ए इंटू एक्स। ए इंटू एक्स कितना है 2, इक्वल टू यहाँ पे आ गया प्रेशर एट डी। तो पी ए प्लस रो जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 10 × 6 माइनस रो ए है हमारा 2 × 2 पी डी 60 माइनस 4 पी ए। ये आ गया हमारे पास पी ए माइनस पी डी इक्वल टू माइनस रो इंटू 60 − 4 = 56। तो यहाँ पे आ गया हमारा पी ए माइनस पी डी इक्वल टू −10^3 × 56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर। इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके।